नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश भर में वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मंगलवार को नए कोविड केसों के आंकड़े में 17.36% की गिरावट दर्ज की गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,20,95,855 पहुँच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,211 नए केस सामने आए। वहीं अब तक देश भर में इस महामारी के चपेट में आने के बाद 1,13,93,021 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 271 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 1,62,114 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,028 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की तादाद 5,40,720 है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक कुल 6,11,13,354 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में एक दर्जन से ज़्यादा राज्य कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। महामारी को नियंत्रण में लाने का अनुभव होने के बावजूद इन राज्यों में स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही। इसकी मुख्य वजह वायरस का पहले से ज़्यादा आक्रामक होना है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना वायरस की आक्रामकता में 300% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। भारत में साप्ताहिक आधार पर कोरोना के मामलों में 51% की बढ़त देखने को मिली है। एक हफ्ते में नए मामलों का आंकड़ा पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.3 लाख ज्यादा है। महामारी शुरू होने के बाद ये अब तक संक्रमण में सबसे बड़ा उछाल है। इस दौरान मौतों के मामले में भी इतना ही उछाल देखने को मिला है। पिछले हफ्ते से तुलना करने पर मौतों में भी 51% का इजाफा देखने को मिला। इस हफ्ते 1,875 मरीजों की मौत हुई है, जो कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर वाले हफ्ते के बाद सबसे ज़्यादा है। पहली लहर के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 से 50,000 पहुंचने में 32 दिन लगे थे, लेकिन इस साल मात्र 17 दिन में ही संक्रमितों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। 11 मार्च को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,377 थी, जो 27 मार्च तक 50,518 हो गई है। यह आंकड़ा साफ साफ जाहिर करता है कि देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।